हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आपको टाटा सेरीन का कितना 4 BHK 4 BHK का डुप्लेक्स फ्लैट दिखा रहा हूँ। आप देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डुप्लेक्स बनाया है, यानी कि ऊपर 2 बेडरूम दिया हुआ है, नीचे 2 बेडरूम हॉल और किचन दिया हुआ है। तो ये आपको एंट्रेंस पे सूर्य के हिसाब से या मंदिर के हिसाब से या कुछ एक्स्ट्रा स्टडी रूम के हिसाब से आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका लिविंग डाइनिंग वगैरह दिखाता हूँ। टेरेस भी इसका बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका हॉल है, मैं आपको लेके चलता हूँ। इसका बालकनी दिखाता हूँ, इसका बालकनी है, बड़ा बालकनी है और करीबन 4 से 5 फुट का बालकनी है। और इस तरफ राइट हैंड साइड पर आप देखें, एक बड़ा टेरेस आपको मिल रहा है और यहाँ से व्यू भी पूरा ओपन और ख़ूबसूरत व्यू है, कोई ब्लॉकेज नहीं है सामने। और ये इसका क्लब हाउस देख रहे हैं आप। और फिर से मैं लेके चलता हूँ कि विंडो के टेरेस के साइड से क्या आपका व्यू बनता है डुप्लेक्स का। ये ऊपर का 2 बेडरूम आपको यहीं से मिल रहा है। और प्राइस क्या है, साइज़ क्या है, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपको किचन मिल जाता है सी टाइप के प्लेटफॉर्म के साथ। फ्रिज का, माइक्रोवेवन का स्पेस आपको दिया हुआ है स्टार्ट में ही। वॉशिंग मशीन का स्पेस आपको अलग से सेपरेट दिया हुआ है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, दोनों बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये एक अलग से वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नल या प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट का प्रोविज़न किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अभी इसका दूसरा कॉमन बेडरूम दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। ये इसका कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम से भी व्यू इसकी बहुत खूबसूरत है। यार, धरती पे ही स्वर्ग, और बोलते हैं ना कि दुख और तकलीफ सब इधर ही है। इतना बढ़िया फ्लैट की आपके पास अगर बजट हो तो आप ख़रीदे बगैर रह नहीं पाएँ। इतना अट्रैक्टिव हर तरह से, जो मुंबई की लाइफस्टाइल के हिसाब से ऐसा घर बहुत कम देखने को मिलता है। छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं और पैसा देने के बाद भी अच्छे फ्लैट्स आपको नहीं मिलता है। हमारे चैनल के थ्रू हम आपको घर बैठे इन सब प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करवाते हैं कि आप देख लें, समझ लें, फिर आप हमें फ़ोन करें प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। फिर मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, हर एक प्रॉपर्टी पे जाना, वीडियो लेना, दिखाना, साथ ही साथ प्राइसिंग में भी आपको जो है ना कंपैरिजन नहीं मिलेगा। बिकॉज़ आपको जो प्राइस मिलता है कोई भी डेवलपर के ओर से, कहीं भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो एक आस्किंग प्राइस मिलता है, वहाँ पे आपको फाइनल प्राइस नहीं मिलता है। बॉटम प्राइस अगर आपको पता नहीं हो ना, तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है यूं ही। तो आप ऐसे लोग को ज़रूर साथ में लेके जाएँ जिसको पता हो इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर प्राइस क्या है। या आप मास्टर बेडरूम का बाथरूम जो है, वॉशरूम बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा साइज़ में बनाया हुआ है। इतना बड़ा स्पेस ज़्यादातर नहीं देते हैं बिल्डर्स। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, डुप्लेक्स 4 BHK किस टाइप का है वो देखें आप। मैं नीचे डुप्लेक्स 4 BHK डुप्लेक्स विद टेरेस बोल सकते हैं इसको। ये नीचे का पूरा स्पेस है, यहाँ सर्वेंट के हिसाब से आप रख सकते हैं, सर्वेंट रूम के हिसाब से। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर का एरिया कैसा है वो दिखाता हूँ। ये इसका स्टेयरकेस से जब आप आते हैं तो आते ही ऊपर जैसे आप फ्लोर पे पहुँचते हैं आपको स्टार्ट में एक ऐसा स्पेस मिल रहा है जहाँ आप स्टडी रूम के हिसाब से, मंदिर के हिसाब से कुछ भी एक्स्ट्रा बना सकते हैं। इसके बाद फिर आपको पहला ये
एक लिविंग डाइनिंग के हिसाब से एरिया मिल रहा है। डाइनिंग तो नीचे दिया हुआ है, लिविंग के हिसाब से आप टेबल वगैरह लग सकते हैं या टीवी यूनिट सोफ़ा वगैरह रख सकते हैं। और ये नीचे के व्यू है फ्लैट के अंदर का, और कुछ रेलिंग्स लगा हुआ है, अब ये रेलिंग देख सकते हैं। इसके बाद ऊपर एक ये लिविंग एरिया दिया हुआ है जहां आप सोफ़ा टीवी वगैरह लगा सकते हैं, जॉइंट फैमिली के साथ रह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दोनों बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका पहला कॉमन बेडरूम है, ये इसका व्यू है, और नीचे सारे बेडरूम्स में छज्जा दिया हुआ है। और अभी मैं आपको ऊपर भी एक कॉमन बाथरूम दिया हुआ है, दो मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। डुप्लेक्स मीनिंग प्रॉपर डुप्लेक्स जो फ्लैट बोलते हैं ना, वो इसको कहते हैं। कई जगह पे देखा गया है कि डुप्लेक्स के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, बट ये प्रॉपर डुप्लेक्स हम लोग रियल इस्टेट फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं तो बहुत सारी जगह देखने मिला है। लेकिन टाटा के इस प्रोजेक्ट में आप देखें तो डुप्लेक्स प्रॉपर है। ये साइज प्राइज मैं डाल दूंगा, कितना साइज है, कारपेट एरिया और प्राइजिंग क्या होगा इसका, एक टेंटेटिव प्राइस डाल दूंगा। फाइनल प्राइस तो आप कॉल करें तो हम बताएंगे कि और बुकिंग कैसे क्या करना है, फाइनल प्राइस क्या होगा, बॉटम प्राइस क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा फ़ोन पे। ये मास्टर बेडरूम है, इसमें वार्डरोब का साइज है, वार्डरोब का जगह है, ये 2.5 से 3 फुट का एक अच्छा खासा बड़ा वार्डरोब आपका फिक्स हो जाएगा दीवार के अंदर। और ये इसका वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, यहाँ बाथ टब भी लगा सकते हैं, इतना ब्रॉड इन्होंने बनाया है। और ये मैं आपको वापस लेके आया हूँ, अभी मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको, आपको लेके चलता हूँ नीचे की ओर। और दिखाता हूँ कि किस टाइप का नीचे जाते हुए क्या व्यू आता है आपको। ये इसका ऊपर का फिनिशिंग मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये आप देख लें। और अंदर से फिनिशिंग भी इतना बढ़िया किया हुआ है ना कि सिविल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्नीचर कर सकते हैं और फर्नीचर का काम करके शिफ्ट हो सकते हैं। ये इसका नीचे और ऊपर का पूरे का व्यू है। अभी मैं पैसेज दिखाता हूँ इसका किस टाइप का है। और ये इसका फ्लोर का स्टेयरकेस है, ये लिफ्ट एरिया है इसका, और ये दूसरा स्टेयरकेस है इसका। और भी कुछ डिटेल जानना है तो आप हमें फ़ोन करें, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डिटेल प्राइस साइज वगैरह डाल दूंगा, वहाँ पे देख के आप हमें फ़ोन करें। फ्लैट बुक करना हो, ख़रीदना हो, डिटेल भी जानना हो तो हमें फ़ोन करें हमारे नंबर पे।